देखिए भाई बहनों, बाइबल एक ऐसा ग्रंथ है, बाइबल परमेश्वर के मन की वो वाणी है, वो सत्य है जो हमें बताता है कि हमें इस जीवन को, परमेश्वर के दिए हुए जीवन को किस तरीके से जीना है, किस तरीके से जीना है। कई बार हम लोग भटक जाते हैं, हम जानते हुए भी वो नहीं कर पाते जो परमेश्वर चाहता है, और तब आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते, तब आप परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि आप परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे हैं। जब हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, जब हम परमेश्वर के उस अधिकार को, उस स्वभाव को, उस परमेश्वर की वाचा को, परमेश्वर के मन को, परमेश्वर के प्रोमिसेस को, परमेश्वर की चेतावनी को जब हम समझते हैं और तब अपने जीवन को इस धरती पर बिताते हैं, अद्भुत तरीके से आपके जीवन का आशीष, जीवन में आशीष बहता है, अद्भुत तरीके से। लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करते। हम वचन पढ़ते हैं, उपवास भी रखते हैं, कलीसिया में भी आते हैं, लेकिन ये जानने के लिए अपने दिल को नहीं खोलते हैं, ना ही हम प्रार्थना करते हैं कि हम प्रार्थना नहीं करते, प्रभु इन वचनों को समझने में मेरी बुद्धि खोलिए। कितने लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं? Praise the Lord, तो नहीं करते ऐसी प्रार्थना? देखिए, आप में से कोई नहीं करता, एक भाई करता है, गलत है। हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, मैं जो बाइबल पढ़ने जा रहा हूँ, मैं जो कलीसिया जा रहा हूँ और पासवान मुझे बताने वाले हैं, प्लीज मेरी बुद्धि खोलिए ताकि मैं उस वचन को जो आपके मुख से निकले हैं उसको समझ सकूं। अगर आप उन वचनों को नहीं समझेंगे तो कैसे चलेंगे, कैसे चलेंगे? हालेलुया, नहीं चल सकते आप। इसलिए आपको समझना जरूरी है, और जब तक परमेश्वर ना चाहे आप नहीं समझ सकते। इसलिए आपको परमेश्वर से निवेदन करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, और परमेश्वर बहुत दयालु है, मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर आपकी बुद्धि खोलेगा। और जिस दिन आपने इन वचनों को समझना शुरू कर दिया ना, उस दिन आप देखिएगा कि आप अंदर, अपने अंदर एक ताकत को महसूस करेंगे, एक शक्ति को महसूस करेंगे, इन वचनों की शक्ति। परमेश्वर क्यों चाहता है कि ये वचन आप समझें? उसने हर वचन आपके जीवन में सुख और शांति के लिए बोला है। उसने अपने हर नबी को भेजा ताकि आपको रास्ता दिखा पाए, और अंत में उसने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा ताकि पिता, पुत्र पिता को आपके सामने प्रदर्शित कर पाए। पिता कौन है, उसकी क्या इच्छा है, वो क्या चाहता है, उसने क्यों हमें रचा है, वो कैसे हमारे जीवन में काम करता है, ये सारी चीजें अगर आप जान जाएंगे ना मेरे भाई मेरी बहन, तो कोई भी समस्या जब आपके जीवन में आएगी ना, आप आसानी से उसको समझ सकते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। और फिर आप व्याकुल नहीं होंगे, फिर आप चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता होगी परमेश्वर का मन, आप जानते हैं परमेश्वर का मन। आप क्यों व्याकुल होते हैं? जब कोई भी समस्या या परीक्षा आपके जीवन में आती है तो आप अपने जीवन में अंधकार महसूस करते हैं कि यार यार क्या होगा, क्या होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के मन को जानते हैं तो आपको पता है ये क्यों हो रहा है, और जब आपको पता है तो ये क्यों हो रहा है, तो आप में चिंता भाग जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हेलो। जब आप उस रीति को, जब आप उसके मन को जान जाएंगे, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उसके मन को जानें। यहोशू को परमेश्वर ने यही कहा था। हम आज यहोशू की किताब से, यहोशू से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिए जो मैं आपको बोलने वाला हूं। यहोशू 1:5 में पढ़ूंगा, 1:5, 6, और 7, उसके बाद हमारी बच्ची पूजा पढ़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से इस वचन को समझने की कोशिश करिए। जिनके पास बाइबल है आप बाइबल में अपना ध्यान दीजिए, नहीं तो स्क्रीन पर आपके पास वचन आएंगे वो देखिए,
और जिन और अगर आपके पास पैड है तो पैड में लिखिए, आप ये आदत डाल दीजिए लिखने की, और घर पर जाना, घर पर जाकर उसको पढ़ने की आदत डालिए, सिर्फ लिखकर बंद रखनी मत। प्रेज द लॉर्ड, आपका जीवन बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहोशू जो परमेश्वर का चुना हुआ था, यहोशू कौन था? मूसा का चेला। यहोशू कौन था? जो समर्पित था, जो परमेश्वर को जान गया था, जो पिता को पहचान गया था। हालेलुया। तकरीबन 25 लाख लोग जिनको परमेश्वर इज़राइल से लेकर आया था ताकि वो प्रॉमिसिंग लैंड में पहुंचे, 25 लाख लोग, उनको बचाया, समुद्र के रास्ते लेकर आया, समुद्र को दो भागों में बांटा गया, रात को बादल का खंभा उन्हें छाए देता था और रात को आग का खंभा उन्हें रास्ता दिखाता था। उसके बावजूद भी जो 25 लाख लोग थे वो विश्वास नहीं कर पाए, कुड़कुड़ाते रहे, और उस प्रॉमिसिंग लैंड में कितने लोग पहुंचे? दो, यहोशू और कालेब। क्यों? क्योंकि वो समझ पाए परमेश्वर को। क्या परीक्षाएं उनके ऊपर नहीं आई? यहोशू कालेब के ऊपर भी परीक्षाएं आई। क्या भूख उनको नहीं लगी? क्या प्यास में उन्होंने जिंदगी नहीं गुजारी? गुजारी। लेकिन वो समझ गए थे कि परमेश्वर क्या चाहता है, इसलिए प्यास उनके लिए बोझ नहीं था, भूख उनके लिए कोई मुसीबत नहीं थी, कोई परीक्षा नहीं थी, क्योंकि वो समझ गए थे। और यहां तक कि यहोशू जब 40 दिन 40 रात सिने पर्वत पर मूसा परमेश्वर के सामने था, तो यहोशू कहां था पता आपको? पर्वत के नीचे। उसे परमेश्वर ने नहीं कहा था, सिने पर्वत पर मूसा बिना खाए, पानी भी नहीं उसने पिया, और बिना खाए वो 40 दिन 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में था, लेकिन यहोशू नीचे इंतजार कर रहा था। सोचिए कितना धैर्य होगा उसके अंदर, कितना प्यार होगा परमेश्वर के लिए, कितना समर्पण होगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको चुना, और परमेश्वर ने क्या कहा उसे? कि तेरे जीवन भर कोई भी मनुष्य तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। हालेलुया। यहोशू 1:5 में पढ़ रहा हूं, तेरे जीवन भर कोई भी मनुष्य तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा, जिस प्रकार मैं मूसा के साथ रहा उसी प्रकार तेरे साथ भी रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना त्यागूंगा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कौन बोल रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ रहूंगा, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। क्यों? जैसे मूसा मेरे साथ रहा वैसे तू भी मेरे साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। आप धोखा कब खाते हैं? जब आप परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते हैं, जब आप शैतान की रीति में चलते हैं आप धोखा खाते हैं। परमेश्वर धोखा नहीं देगा। परमेश्वर ने वादा किया, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैंने कहा है मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। लेकिन तुझे मेरा साथ कब महसूस होगा? जब तू मेरे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तू कब महसूस करेगा मेरे साथ को? जब तू मेरे साथ रहेगा। अगर तेरा ध्यान कहीं और होगा, अगर तेरा मन कहीं और भटकेगा, तो तू मुझको महसूस नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चटक क्या कहता? हिया बांध और दृढ़ हो, क्योंकि इन लोगों को तू ही उस देश पर अधिकार दिलाएगा जिसको इन्हें देने की शपथ मैंने इनके पूर्वजों से खाई थी। तू केवल हिया बांध और अत्यधिक दृढ़ हो। मेरे दास मूसा ने जो व्यवस्था दी है उसकी सब आज्ञाओं के अनुसार व्यवहार करने के लिए सावधान रहे, उनसे ना दाहिने मोड़ना ना बाएं, जिससे जहां जहां भी तू जाए वहां वहां सफलता प्राप्त करे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने रास्ता बताया कि आपको सफलता कैसे प्राप्त करनी है। आप रास्ते ढूंढते ना, मैं सफल कैसे हूं, मैं जीवन में सक्सेस कैसे हूं। हर कोई इंसान देखता, मैं सफल होना चाहता हूं,
मैं सफलता, मैं सफल जीवन जीना चाहता हूँ। हर कोई चाहता ना, हर कोई यहाँ बैठा हुआ हर चाहता मैं सक्सेस, सफल जीवन। रास्ता बताया कि आप कैसे सफल हो सकते हैं। व्यवस्था की ये पुस्तक कौन सी है? ये पुस्तक। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है, यीशु क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, यहोवा, कि इस पुस्तक को अपने से दूर मत करो। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलता है वो, उससे ना दाहिने मुड़ना ना बाएं। ये जो पुस्तक है इससे ना दाहिने, जो लिखा है उसके अनुसार चल, तू सफल होगा। इसलिए वो बोलता है तू हिया बांध, छठा पढ़ो बेटा, छठा पढ़ो। इसलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा। इसीलिए हिया बांध और दृढ़ हो जा। किस चीज की दृढ़ता चाहता है वो? परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, परमेश्वर का प्रॉमिस है कि वो आपको नहीं छोड़ेगा, आपको नहीं त्यागेगा। परमेश्वर का प्रॉमिस है कि वो आपको धोखा नहीं देगा, उसने आपसे वादा किया है। अब वो कहता है हिया बांध, इस प्रॉमिस को अपना बना ले, दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा। कब मजबूत हो जा? तेरे पास कलेश आएंगे, तुझे दुख आएंगे, तेरे अंदर मुसीबत आएगी, तुझे भूख लगेगी, संसार तेरे पीछे आएगा, संसार तुझे घृणा करेगा। उस समय दृढ़ हो जा, उस समय ही आप बांध। नहीं, चाहे संसार कुछ भी करे, मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है। उसने मुझसे कहा है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, मुझे कभी नहीं त्यागेगा, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, उसने कहा मेरे साथ है वो। या बांध और दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा, मजबूत हो जा, कि वो परमेश्वर जो बादलों के द्वारा धरती पर आकर उस तंबू के सामने आता था और बताता था और बात करता था मूसा से, वो परमेश्वर जो लाल समुद्र को दो भागों में बांटकर इज़राइल को कनान देश की तरफ लेके गया, वो परमेश्वर जो चालीस साल तक मन्ना खिलाता रहा, वो परमेश्वर जो चट्टान से पानी पिलाता था, वो मेरे साथ है। हिया बांध, हिया बांध और दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा, तब परमेश्वर के प्रॉमिसेस को तू अपना बना लेगा, तब परमेश्वर के प्रॉमिसेस को तू समझ पाएगा। और हिया तू कम बांधेगा, दृढ़ कब होगा, तो मजबूत कब होगा, जब तू विश्वास करेगा कि जिसने मुझे बचाया था, जिसने मेरे पूर्वजों को बचाया था, वो मुझे भी बचाएगा। जिस दिन एक औरत जो 10 साल से 12 साल से 15 साल से मां नहीं बनी है, जिस दिन वो ये विश्वास करेगी, जिस दिन वो ये विश्वास करेगी कि वो परमेश्वर, वो पिता, वो परमेश्वर, वो पिता जिसने मेरी आदि माता सारा को जब वो 90 साल की थी तब उसको बच्चा दिया था, वो ही परमेश्वर मुझे भी बच्चा देगा। वो चाहता है हम दृढ़ हो जाएं, वो चाहता है हम मजबूत हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपसे सिर्फ दो चीजें चाहता है, दृढ़ता और मजबूती। हिया बांध, क्योंकि शैतान तेरी दृढ़ता को कमजोर करेगा, तेरे हिया को कमजोर करेगा। वो रोज तेरे कान में आकर कहेगा कि तू कमजोर है, पता नहीं कब आएगा यीशु, तेरा परमेश्वर तेरा साथ देगा कि नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका पड़ोसी कहेगा, आपके दोस्त कहेंगे, आपके पति कहेंगे, आपका पत्नी कहेगी, शैतान के द्वारा। लेकिन परमेश्वर का कहता है हिया बांध। सातवां बताइए, सातवें का बिगनिंग का कहता है सातवां, इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ हो कर। इतना हो, बस इतना कर तू, ज्यादा मत कर तू। तुझे अगर धरती पर दृढ़ता के संग, सफलता के संग जीवन बिताना है तो सिर्फ इतना कर कि तू हिया बांध और बहुत अत्यधिक दृढ़ हो। अत्यधिक इतना काम कर, बस हमें कुछ नहीं करना है,
आपके ऊपर मुसीबत आएगी, आपके ऊपर सताव आएगा, कलेश आएगा, वो कहता है इतना कर, इतना सा काम कर मेरे बच्चे, तू अत्यधिक दृढ़ हो जा, अत्यधिक, जितनी मुसीबत बढ़े उतना ही विश्वास बढ़ा अपना। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनी मुसीबत आए, मुसीबत अगर बहुत बड़ी है अपने विश्वास को दुगना कर, और मुसीबत से बोल, ऐ मुसीबत मेरा परमेश्वर मेरा यीशु तुझसे बड़ा है। अत्यधिक दृढ़ हो जा मेरे भाई। आपको पता है परमेश्वर ने इब्राहिम से शपथ खाई थी। किसकी शपथ खाई थी? अपनी, क्योंकि इंसान अपने से बड़े की शपथ खाता है, लेकिन परमेश्वर से बड़ा कौन है? इब्रानियों 6:13-14-15, इब्रानियों से कौन है बड़ा? कोई नहीं है। इसलिए उसने अपनी शपथ खाई। क्यों खाई? क्योंकि इब्राहिम ने वो काम किया, इब्राहिम ने विश्वास के संग वो काम किया, उसे बताया कि पिता परमेश्वर यहोवा तू ही है मेरे लिए, मेरा बेटा मेरे सामने कुछ नहीं है, मेरा शरीर के कोई भी रिश्ते तेरे सामने कुछ भी नहीं है, हर रिश्ता तेरे सामने कुछ नहीं है, तू ही है मेरे लिए सब कुछ। हालेलुया। इब्राहिम ने बताया, इसलिए उसने अपनी शपथ खाई। इब्राहिम को बताया, उसने क्या बताया बेटा पढ़ो। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपनी ही शपथ खा कर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। आमीन। मैं सचमुच, मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास कर। देखिए वो ये नहीं कहता मैं तुझे आशीष दूंगा, एक तो वो अपनी शपथ खाता है ये बताने के लिए कि मैं देख सच कह रहा हूं। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आपको यकीन दिलाने के लिए अपनी शपथ खा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस धरती का रचयिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर एल एलोही आपको मुझको यकीन दिलाने के लिए अपनी शपथ खा रहा है कि मुझ पर यकीन कर, मुझ पर यकीन कर। और क्या कह रहा है? सचमुच, सचमुच मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाऊंगा नहीं, बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ता रहेगा, तुझे अनुग्रह की आशीष मिलता रहेगा, बरकत की बारिश तेरे जीवन में होती रहेगी, थम नहीं जाएगी, रुक नहीं जाएगी, तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी वो आशीष मिलता रहेगा, तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी वो आशीष मिलता रहेगा। क्यों? तब उसने क्या कहा, देखिए 15वां क्या बोलता है। और इसी रीति से उसने धीरज धर कर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या किया इब्राहिम ने? इसी रीति से उसने धीरज धर कर उस प्रतिज्ञा को स्वीकार किया। आमीन। व्याकुल नहीं हुआ। हालेलुया। धीरज, धीरज कैसे धरा? यस, ऐसा होगा। आप जानते हैं सब इब्राहिम को कितनी मुश्किलें आई, कैसे कैसे वो गुजरा है, लेकिन उसने अपना धीरज नहीं खोया। जब 100 साल के बाद परमेश्वर ने उसे अपना बेटा दिया इसहाक, आप सोचिए, और परमेश्वर कहता है कि अपने बेटे को बलि कर। आमीन। आप जानते उस समय इसहाक की क्या उम्र थी? क्या उम्र थी इसहाक की, कोई बताएगा? सब भूल गए हैं। इसहाक की उम्र 2 साल थी। 12 कैसे? हाँ, बलि चढ़ाते थे। कितनी उम्र थी? तकरीबन 30 साल थी।
जो यीशु की उम्र थी वही इसाक की उम्र थी, आप समझे कि नहीं? 90 में वो 90 की थी। कौन 90 की थी? सारा। सारा 90 की थी जब इसाक पैदा हुआ। और इसमें लिखा हुआ है उत्पत्ति 23 में जब वो मरी तो 127 साल की थी सारा, और 22वें अध्याय में ये हुआ है। तो इसाक उस समय जवान था। उस जवान बेटे ने भी जब पाप ने छुरा उठाया तो जवान बेटा कुछ नहीं बोला। प्रेज द लॉर्ड। आप देखिए वो प्रेम, क्योंकि वो परमेश्वर को जान गए थे। उनके लिए मरना कोई बड़ी बात नहीं थी। उनके लिए क्या था जरूरी? कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने। प्रेज द लॉर्ड। हम बस परमेश्वर की, आज हमारी नौकरी जाती है तो हम कहते नहीं नहीं परमेश्वर की आज्ञा नहीं यार। हमारा धंधा कहीं कम होता है, नहीं 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 यार झूठ बोल लो, धोखा दो। वो कहता मैं मर जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा है। इसाक 30-32 साल का था उस समय। ये अपना इब्राहिम बूढ़ा हो चुका था, तकरीबन 135-140 साल का था। वो रोक सकता था अपने बाप को। प्रेज द लॉर्ड। मैंने इस पर प्रीच भी किया था, अगर आप देखेंगे यूट्यूब में तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह यीशु मसीह अपना क्रूस उठा के गया, उसी तरह इसाक भी अपने कंधे पर अपनी लकड़ी उठा के गया उसी पर्वत पर। वही पर्वत था मौरिया पर्वत, जहां पर यीशु मसीह का क्रूसीफाइड हुआ था। वही पर्वत था जहां पर इब्राहिम ने अपने बेटे को बलि देना चाहा। वही पर्वत था गोलगोथा पहाड़ी। गोलगोथा पहाड़ी क्यों कहते हैं उसे, पता है किसी को? गोलगोथा पहाड़ी कहते हैं। हालेलुया। ये वही पहाड़ी थी जहां दाऊद ने गोलियत का सिर गाड़ा था। ये वही पहाड़ी थी जो दाऊद ने खरीदी थी, जहां पर मंदिर बनाया था मोरिया। ये वही था जहां पर मूसा को परमेश्वर ने झाड़ियों में दर्शन दिया था। ये वही पहाड़ी थी मोरिया पर्वत। ये वही पहाड़ी थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वहीं इब्राहिम इसाक को लेकर गया था उसकी बलि देने के लिए। इसलिए वो कहता है मैं अपनी शपथ खाता हूं आज जो तूने काम किया है। उत्पत्ति 22 पढ़िए, उत्पत्ति 22 16 और 17 पढ़िए। उत्पत्ति 22 16 और 17। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। तूने जो ये काम किया है, काम क्या किया है उसने, वो बता रहा है एक लौते पुत्र को। मैंने पिछली बार बताया था ना कि आपके छोटे से छोटे बलिदान को परमेश्वर पसंद करता है। छोटे से छोटा बलिदान अगर आप प्रभु के लिए करते हैं ना, छोटे से छोटा बलिदान, कि सुबह 7 बजे उठते थे 5 बजे उठेंगे, परमेश्वर को अच्छा लगता है। परमेश्वर के लिए कोई चीज त्याग देंगे, परमेश्वर को अच्छा लगता है। आपका छोटे से छोटा बलिदान परमेश्वर को अच्छा लगता है। लेकिन यहां पर क्या कहता है उत्पत्ति 22 का 16वां, यहोवा की वाणी है कि मैं अपनी ये शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। हेलो प्रेज द लॉर्ड। वो जानता है कि इब्राहिम के लिए उस पुत्र की क्या कीमत है। इसलिए वो कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तूने अपने पुत्र नहीं 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 अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। परमेश्वर बता रहा है, देखिए परमेश्वर की वाणी सुनिए। वो जानता है कि उसने कितना बड़ा त्याग किया है। 10 पुत्र में से एक नहीं किया, एक ही था, 100 साल के बाद मिला। इसलिए वो कहता है कि तूने अपने पुत्र वरन
अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा मेरे लिए। इसलिए 17वां मैं शपथ खाता हूं, 17 प्रेज द लॉर्ड, इस कारण, वजह बताइए उसने, इस कारण मैं निश्चय ही तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के तिनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। इसलिए वो यहोशू से कह रहा है, मैंने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी कि वो वंश, वो जो कनान देश है तुझे दूंगा, इसलिए तू अधिकार, मैंने तुझे अधिकार दिया है। आपको पता है परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है इस धरती पर, इस धरती को अपने बस में करने के लिए, क्योंकि उसने शपथ खाई है, उसने शपथ खाई है, उसने शपथ खाई है हमारे पूर्वजों से। अब उस अधिकार का इस्तेमाल किसे करना है? हेलो, किसे करना है? उसकी शपथ पूरी करने के लिए हमें उसके अधिकार का उपयोग करना है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। उत्पत्ति 1:28 देखिए, आपको अधिकार देने से पहले वो आपको क्या देता है? आशीष। आपको अधिकार देने से पहले वो आपको आशीष देता है, आपको चुनने से पहले वो आपको आशीष देता है, आपको चुनने से पहले वो आपको काम बताता है, आपके लिए काम सोचता है कि आपको काम क्या करना है। उत्पत्ति 1:28 और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। यानी कि अधिकार देने से पहले, काम देने से पहले परमेश्वर ने क्या दिया? आशीष। हेलो, काम देने से पहले, अधिकार देने से पहले उसको आशीष दी। आपके पास आशीष का अधिकार है, इसलिए वो यहोशू 1:5 में कहता है, 1:6 में कहता है कि तुझे मैंने अधिकार दिया है ताकि तू इन इसराइलियों को उस प्रॉमिसिंग लैंड में ले जा, ताकि जिनको, जिनके लिए मैंने इनके पूर्वजों से शपथ खाई थी कि मैं उनको वो आशीष दूंगा, वो अधिकार दूंगा, वो कनान देश दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु आने वाला है मेरे भाई मेरी बहन, और उसने हमें अधिकार दिया इस धरती पर, शैतान पर अधिकार दिया है इस धरती पर, जीतने के लिए हमें रखा है, हारने के लिए नहीं रखा है, जीतने के लिए रखा है। आपको पता है कलीसिया, कलीसिया का भेद क्या है? कलीसिया क्या है आपको पता है? नहीं पता है। कलीसिया क्यों बनाई है उसने? कलीसिया क्यों बनाई है उसने, कभी आपने सोचा है? इफिसियों निकालिए मेरे साथ, इफिसियन 3:10, ताकि अब कलीसिया के गैर यहूदियों को क्यों चुना उसने, पता है आपको? हम गैर यहूदी हैं, हम अन्य जाति हैं, क्यों चुना उसने, क्यों चुना उसने, कलीसिया क्यों बनाई है? कलीसिया का मकसद है, आप जो कलीसिया में आते हैं ना सिर्फ चिन्ह चमत्कार के लिए, कि मेरा सर का दर्द, तो मेरी आंख, कि मेरा फेफड़ा, मेरे ये, मेरा वो, आप नहीं जानते कलीसिया का मकसद क्या है। इफिसियों 3:10, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। Praise the Lord, कलीसिया के द्वारा, अन्य जातियों के द्वारा परमेश्वर उन, वो ज्ञान, वो रहस्य उन अंधकार की शक्तियों पर प्रकट करता है। कलीसिया के द्वारा अंधकार की शक्तियों को बताता है कि तेरा, तेरा खात्मा निश्चित है। हेलो, कलीसिया के द्वारा, इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे कलीसिया में,
इसलिए कलीसिया क्यों बनी है? परमेश्वर के भेद, परमेश्वर का भेद, परमेश्वर का रहस्य क्या है कि कलीसिया के द्वारा उस अंधकार की, उस अधिकारियों को जो तीसरे आकाश में है, जो आकाश में है, उन अधिकारियों, उन अंधकार की शक्तियों का नेस्तनाबूद करना। इसलिए कुलूसियो एक का, आपका दो का पंद्रह क्या कहता है? कुलूसियो दो का पंद्रह क्या कहता है कि क्रूस पर और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। जब उसने प्रधानों और अधिकारियों का को उसके द्वारा निरस्त कर दिया, तब उन पर विजय प्राप्त करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया किसका? शैतान का। और क्रूस पर जब यीशु मसीह मरा, उसके बाद सारे रीति रिवाज खत्म हो गए। सोलवा पढ़ो, सोलवा, इसी का सोलवा, कुलूसियों दो का सोलवा। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। सुना, सुना आपने? ये जो आजकल ढोंगी लोग हैं ना, जो चर्च ऑफ गॉड और ये कि आप शनिवार को ही प्रार्थना करनी चाहिए, मंगलवार को प्रार्थना करनी चाहिए, वचन क्या कहता है? इसलिए खाने पीने या पर्व या चांद या सप्तों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। ये सारी चीजें खत्म हो गई क्रूस से, लिखा हुआ है। इसलिए खाने पीने एवं पर्व, नए चांद या सप्त के दिन के विषय में तुम्हारा कोई न्याय ना बने। क्रूस पर ये सब चीजें खत्म हो चुकी हैं और क्रूस के बाद ये नई वाचा शुरू हो गई है। यीशु मसीह इसलिए हर दिन प्रार्थना करता था। ये जो ढोंगी हैं, ये जो लोग कहते हैं, दुख होता है मुझे, धिक्कार है जो यीशु मसीह का पूजा करते हैं ये लोग, और लगा जगह जगह जाके कंफ्यूजन पैदा करते हैं। लिखा हुआ इसमें, लिखा हुआ सोलवा, दो का सोलवा। इसलिए खाने पीने और पर्व और नए चांद या सब्तों के विषय में, सब्त का दिन, शनिवार का दिन, ये सब खत्म हो गया है कि तुम्हारा कोई फैसला ना करे। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? आप संडे प्रार्थना करिए, शनिवार को करिए, फ्राइडे करिए, परमेश्वर के लिए सब उचित है, लेकिन दिल से प्रार्थना करिए। समझे सर आप? हमारे चर्च के कितने लोगों के पास जाते हैं लोग, बोलो संडे को करते हैं, दोषी ठहराते हैं, नहीं नहीं शनिवार को करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। अरे कहाँ लिखा, कितना झूठ बोलते हैं। किसी के लिए ठोकर का कारण बनना पाप है। अरे उसको आप बताइए कि मसीह जीवन कैसे जीना चाहिए, आप बताइए कि भाई पवित्रता में किस तरह चलना चाहिए। नहीं, शनिवार को करो, यानी कुछ भी करो पाप करो, शनिवार को करो कुछ भी करो पाप करो, कुछ भी शनिवार को आप कर रहे हैं तो स्वर्ग में जाएंगे। क्या यार, लिखा हुआ है कि सप्त के दिन के लिए कोई तुम्हारा न्यायी ना हो। कलीसिया की इंपॉर्टेंस है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, जो परमेश्वर कहता है कि हमें उस अधिकार का उपयोग करना है जिस अधिकार को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमारे पूर्वज से शपथ खाई थी। हालेलुया। इसलिए उसकी उपस्थिति को जानिए, उसकी शक्ति को जानिए, उसकी इच्छा को जानिए, उसके मन को पहचानिए, उसकी वाणी को समझिए और उसके अनुसार अपना जीवन बिताइए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा।